फर्स्ट विजिट लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई सॉल्व एवरी सिंगल क्वेश्चन फॉर यू ऑन डेली बेसिस ग्रुपिंग सम्बल्स ग्रुपिंग सम्बल्स क्या होते हैं जब मुख्तलिफरेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेटर मीन जब प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इसको ऑपरेटर कहते हैं इन चारों को जब हमने डिस्क्राइब करना हो जब हम इन चारों का ही इस्तेमाल करना हो तो उस वक्त हम ग्रुपिंग संबल इस्तेमाल करते हैं तो आपकी क्लास में सिर्फ इनके नाम और इनके वर्किंग के बारे में ही है और ज्यादा डिटेल नहीं है वही आपने याद रख लेनी है इसकी तो चलो शुरू कर लेते हैं हम ग्रुपिंग संभल के क्या क्या नाम है ये वाला जो बार सा होता है इसको हम तो बार ब्रैकेट कहते आए हैं आप इस दोनों ही सही हैं बार ब्रैकेट भी कह लो इसको तो भी सही है लेकिन यहां पर जो एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो नाम दिए हुए हैं हम वही इस्तेमाल करेंगे इन सवालों में भी मैं जब आपको कराऊंगा तो मैं वही नाम इस्तेमाल करूँगा जो एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डिस्क्राइब का इसके लिए डिस्क्राइब करके रखे हैं। इस बार ब्रैकेट को कहा है एक्सफोर्ड वालों ने इसको विंकलम इसका नाम दिया है ये एक बार सा होता है जैसे हमने ए प्लस बी लिखा हो तो उसके ऊपर ये बार हो। इसको हम बार ब्रैकेट कहते हैं लेकिन एक्सफोर्ड में इसका नाम विंकुल है इसको हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं और सर्कुलर ब्रैकेट भी कहा जाता है लेकिन हम जो इसको कहेंगे उसका नाम पैरथिस है तो पैरथिस हम इसको कहा करेंगे हम वैसे इसको इनसाइड ब्रैकेट भी कहते हैं वो आप याद रखो वो भी याद रखो लेकिन बंदा थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है जब उसको सही प्रोफेशनल नाम से बोलता है तो प्रोफेशनल नाम इसका पैरथिस है तो मैं भी जब क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो इसको पैरसिस ही कहा करूंगा तो आगे जो ब्रैकेट आ रही है वो हम तो उसे करली ब्रैकेट कहते हैं मिडिल ब्रैकेट कहते हैं या दरम्यानी ब्रैकेट वगैरह कहते हैं लेकिन एक्सफोर्ड में जो आपकी बुक है काउंट डाउन की उसकी जुबान में इसको ब्रेसिस हम कहेंगे ये एक दरमियानी ब्रैकेट होती है और करली ब्रैकेट भी हम कहते हैं इसे को वो कहते रहे हैं लेकिन इस पे हम इसको यहाँ पर हम इसको ब्रेसिस का नाम देंगे तो एक आखिरी ब्रैकेट जो है उसका नाम हम तो उसे स्केयर ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट कहा करते हैं तो असल में उसकी उसका नाम ब्रैकेट है ये एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला उसको ब्रैकेट कहता है सिर्फ ब्रैकेट कहता है तो हम भी इसको उसी नाम से ही पकारा करेंगे ये इसका आर्डर ये है कि सबसे पहले हम इस विंकुलम को ख़त्म करेंगे उसके बाद पैरथिस को ख़त्म करेंगे उसके बाद ब्रेसिस को ख़त्म करेंगे उसके बाद ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो आगे अगला सवाल डायरेक्ट हम सवालों पर ही जाएंगे इसमें और ज़्यादा डिटेल नहीं है सिर्फ इनको आपने इनके संबल देख लेने हैं और उनके नाम याद रख लेने हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो इसके एक्ोरेट नाम हैं प्रेसिस और ब्रैकेट और इसी नाम से इसे पुकारें इसी नाम से इनको मुखातब करें क्योंकि अगर आप वही कहते रहे तो वो भी गलत तो नहीं है लेकिन आपको वो आदत पड़ जाएगी आप में से एक बास स्टूडेंट लेक्चरार बनेंगे उन्हें बच्चों को पढ़ाना होगा तो उस वजह से आप अपने ब्रेन को उसी हिसाब से ट्रेंड करो जो एकट नाम है उसको एक्यूरेट नाम से ही उसे पुकारो तो अब हम क्वेश्चन शुरू कर लेंगे तो ये वाले बस इसमें यही था दैट इज ऑल तो वीडियो को लाइक like, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दैट इज द एंड ऑफ ग्रुपिंग सेम्बल सेशन